वहाँ एक प्रोविजन है कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो ओथ लेंगे, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते वो अफर्मेशन जो है प्रतिज्ञा लेंगे। व्यक्तिगत जो मेरी इच्छा है वो प्रतिज्ञाओं में। राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जिन पार्टियों ने राजनीति में धर्म को जोड़ा है, चाहे इधर वाले हों इधर वाले, उन्होंने अपने फायदे के लिए जोड़ा है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत है। यहाँ जब खड़े हुए हर व्यक्ति का धर्म अपना है। कोई मेरे जैसा नास्तिक व्यक्ति भी है, कोई मैं बहुजन आंदोलन के लिए समर्पित हूँ, फिर भी इस देश की मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो मुझे दलित नेता साबित करने पर लगा। मेरा कहना ये है, क्या मीडिया जो कहता दलित चिंतक, क्या वो ब्राह्मण चिंतक भी कहता है किसी को, क्या वो ठाकुर चिंतक भी कहता है? ये जो खेल चल रहा है ना बहुत लंबे समय, कि हमें हमारी जाति का नेता बना शिफ्ट किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के अंदर मेरे प्रति वो प्यार और विश्वास ना बने, क्योंकि जाति का लेवल पर लगा रहे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं बीज हूँ, मैं पूरे पिछड़े वर्ग को वैचारिक आंदोलन के साथ जोड़ूंगा। ना मेरा किरदार बदलेगा, ना मेरे तेवर बदलेंगे, और ना मेरे विचार बदलेंगे। मैं सत्ता के हिसाब से नहीं बदलता। मैंने अभी एक पत्रकार साथी को कहा कि ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं। अगर चंद्रशेखर आजाद असेंबली में होता उत्तर प्रदेश की, तो नाक में दम कर देता सरकार के, जब तक 29 शिक्षक भर्ती फैसला नहीं होता। वो विचार हमारी ताकत और विचार हमारा आधार है, इसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। अगर कोई मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जुनून है बदल देंगे और ऐसा बदल देंगे दोबारा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। आंदोलन की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि जहां हम खड़े हैं ये वेस्टर्न कोर्ट है, पूरी सराउंडिंग दिख रही है। यहां पर सांसद महोदय रुके हुए हैं, मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं पहले भी शख्सियत थे और अभी खास शख्सियत बन गए हैं, क्योंकि नगीना सीट को ऐतिहासिक बना दिया है। सांसद के रूप पहले भी आप दिल्ली आते रहे एक आंदोलनकारी के रूप में, अब आप दिल्ली आए एक संसद सदस्य के तौर पे। जब आप संसद में गए, पहले जाना और अब जाने में फ़र्क है, क्या था आपके दिमाग में, क्या विजन लेकर के आप संसद के अंदर घुसे थे? अभी तक मैं NXC में जो ऑफिस है वहाँ गया था, और रजिस्ट्रेशन के कागज़ वगैरह जमा करने जो है, और जो क्योंकि अभी ओथ और सब चीज़ों के लिए जो है वहाँ एक प्रोविज़न है कि जो ईश्वर में आस्था रखते हैं वो ओथ लेंगे, और जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते वो अफर्मेशन जो है प्रतिज्ञा लेंगे। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा, तो मैंने कहा सर मैं सम्मान सभी धर्मों करता हूँ, लेकिन मेरी जो नेचुरल मेरी अपनी जो है व्यक्तिगत जो मेरी इच्छा है वो प्रतिज्ञाओं में। तो मैं अपने महापुरुषों के कारवा को, बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा ले लेके संकल्प लेके जो काम किया, तो मैं उन्हीं संकल्पों पर रहूँगा। तो मैं सिर्फ वहाँ गया था, और अभी क्योंकि यही आवास आवंटित हुए हैं हमें रहने के लिए, जब तक जो है आवास नहीं मिलते तो हम यही हैं वेस्टर्न कोर्ट में। आप इन्हें आपका इंटरव्यू जब भी चलेगा तो कल वेस्टर्न कोर्ट में सारे MP जो हैं यहाँ हल्ला मचा कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद को यहाँ से हटा दो, क्योंकि जितने लोगों के पास जो है, मैं आप भरोसा करो, जितने लोगों के पास सारे लोग आएंगे पूरे दिन में, इतने तो एक चक्कर में आ रहे हैं वहाँ, मैं देख भी रहा हूँ। हाँ, तो बहुत बड़े पैमाने लोग आ रहे हैं, और विश्वास कीजिए कल भी वही चंद्रशेखर था, आज भी वही चंद्रशेखर, और आने वाले जब तक जीवन रहेगा वही चंद्रशेखर रहेगा। ना मेरा किरदार बदलेगा, ना मेरे तेवर बदलेंगे, और ना मेरे विचार बदलेंगे। मैं सत्ता के हिसाब से नहीं बदलता। मैंने अभी एक पत्रकार साथी को कहा कि ये टिकाऊ माल है, बिकाऊ माल नहीं। और ये वैचारिक शक्ति वाला व्यक्ति है जो किसी भी सुख सुविधा पद प्रतिष्ठा के आगे झुक नहीं सकता, जो अपने महापुरुषों के आंदोलन के साथ तटस्थ होकर खड़ा है, जिसको मारा जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। अच्छा, आप तो नहीं बदलोगे, लेकिन आपके जाने से संसद में क्या बदलेगा? कल आपने बदलाव नहीं देखा? देश के प्राइम मिनिस्टर संविधान को ऐसे नमन किए, देखा आपने, और उठा के वही फोटो लगाए, ये बदलाव नहीं क्या? अब ये सच है कि जब जब हमारी मजबूत आवाज़ें पार्लियामेंट में गई हैं, तब तक पार्लियामेंट में अनेक पार्टियों के विचारों में जो है तब्दीली हुई। एक तब्दीली आपने कल देखी, आने वाली तब्दीली आ गया क्या देखना? देखिए, ये जो आवाज़ है ये स्वतंत्र है, और ये अगर किसी के प्रति समर्पित है तो बहुजन महापुरुषों का संघर्ष है, और ये अगर जिम्मेदार है तो किसी उद्योगपति, किसी नेता, किसी व्यापारी के प्रति नहीं है। ये जिम्मेदार है भीमारी में आज़ाद समाज पार्टी, अपने नगीना क्षेत्र की जनता और पूरे देश में रहने वाले हक वंचित समाज के लोगों के प्रति ये जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, और मुझे अब मेरा काम करना है। मुझे पक्ष से कोई मतलब नहीं, विपक्ष से मैं बस ये देखना चाहता हूँ नीज भाई, जो विपक्ष पूरे चुनाव में काशीराम साहब के फॉर्मूले के उनकी बातों को लेकर घूमा, संविधान, हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना, आरक्षण, लोकतंत्र, अब वो पार्लियामेंट में अपनी बात पे खरा उतरता है, नहीं उतरता? नहीं उतरेंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा, और उनको भी जो है उनके चरित्र को भी कथनी करनी को साफ करूंगा,
और मेरा इंटरव्यू सुने तो ही सोचे लगे कि भाई चंद्रशेखर जब वहाँ फिर हमसे धज्जियाँ उड़ाए तो इससे पहले बोलना शुरू कर दो। तो अब हम मजबूर करेंगे हमारी विचार की पे। आपने देखा पिछले बहुत लंबे समय में सब लोग भाजपा की पिच पर जाके खेले और फिर पिट के वापस आए, और इस बार आके अपनी फील्ड पर खेले मंडल वाली पे, तो फिर देखो बढ़ गया नहीं बढ़ गया। और अगर वो सही गठजोड़ और बना लिए होते तो भाजपा सत्ता में नहीं आती, ये इन्हीं की देन है विपक्ष की, भाजपा सत्ता में आ गई है पुनः। तो फिर मैं कह रहा हूँ हम अपनी पिच पर है, कभी उनकी पिच पर नहीं गए, कभी धर्म की पिच पर नहीं गए, कभी जो है मंदिर मस्जिद की पिच पर नहीं गए, हमेशा बुनियादी मुद्दों पर खड़े रहे, हमेशा हिस्सेदारी की बात करते रहे, हमेशा अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा और रोजगार और सुख सुरक्षा सम्मान उसी पर खड़े रहे कि जिसकी इतनी संख्या पर उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस वजह से आज वेस्टर्न कोर्ट में चंद्रशेखर खड़ा है। बिल्कुल, संविधान जिस समय आप संसद में गए रजिस्ट्रेशन करवाने ही सही, उसी दौरान एक खबर आती है कि इसी इलेक्शन के दौरान ही बाबा साहब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, शिवाजी की प्रतिमा वहाँ से शिफ्ट कर दी गई, हालांकि लोकसभा सचिवालय ने एक सफाई भी दी। आप उस सफाई से सहमत हैं? नहीं, मैं उस सफाई को नहीं, जिस दिन मैं पार्लियामेंट जाऊंगा और मैं प्रतिज्ञा लूंगा उसके बाद मैं उसको देखूंगा, और अगर मुझे इस तरह की स्थिति लगी कि कोई भी जानबूझ के छेड़खानी की तो मैं उस पर अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा। मैं स्पष्ट हूँ इस मामले में, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेगा भारत, इस बात के साथ हम लोग खड़े हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है उस तरह से, देखिए समय परिस्थिति को भी हमें समझना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी बैड इंटेंशन से किया गया है तो फिर ये सही नहीं है। उस जगह से तो हटी है, इतना तो क्लियर। हाँ, मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि अगर जानबूझ के, अब मैं फिर आप समझिए कि कुछ भी अगर गलत हुआ है तो गलत के खिलाफ क्या होगा, फिर तो आवाज़ बुलंद होगी, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे अंदर धरना हो या बाहर धरना हो तो होगा वो तो। अच्छा, मैंने तमाम इंटरव्यूज़ देखे आपके, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वैचारिकी में क्या बदलाव आया है। मैंने एक चीज़ देखी कि आपको लोग जब कह रहे थे कि एक दलित राजनीति का उदय हुआ है, एक दलित नेता का उदय हुआ है, तो इस बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि मुझे दलित क्यों कहा जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत? मुझे दलित कहा जा रहा है इस बात को लेकर रिजिड नहीं हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ दलित कहा जा रहा है मैं इस बात को लेकर रिजिड। मेरा कहना ये है, मैं बहुजन आंदोलन का सिपाही हूँ, मैं बहुजन आंदोलन के लिए समर्पित हूँ, फिर भी इस देश की मीडिया का चरित्र ऐसा है कि वो मुझे दलित नेता साबित करने पर लगा। ये मुझसे पहले काशीराम साहब के साथ हुआ, मैंजी तो सर्जन इधर सर्जन सुखाबिजल उनके साथ हुआ, ये इसको इस पीड़ा को चौधरी चरण सिंह जी ने भी बयां किया, इस पीड़ा को तमाम दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं ने बयां किया। मेरा कहना ये है, क्या मीडिया जो टीवी पे डिबेट करता है कहता दलित चिंतक, क्या वो ब्राह्मण चिंतक भी कहता है किसी को, क्या वो ठाकुर चिंतक भी कहता है, क्या किसी को वैश्य चिंतक भी कहता है? ये जो खेल चल रहा है ना बहुत लंबे समय कि हमें हमारी जाति का नेता बना शिफ्ट किया जा रहा है, वो चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के अंदर मेरे प्रति वो प्यार और विश्वास ना बने, क्योंकि जाति का लेवल लगा रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं बीज हूँ, मैं पूरे पिछड़े वर्ग को वैचारिक आंदोलन के साथ जोड़ूंगा अब आने वाले समय में। और मैं धन्यवाद दूंगा नगीना में, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ दलित और मुस्लिम समाज ने मुझे वोट देकर जिता दिया, वहाँ के पिछड़े समाज ने मुझे वोट दिया, पाल ने, प्रजापति ने, कश्यप ने, सैनी ने, मौर्य ने, शाक्य ने, बिंद ने, राजभर ने, चौहान ने, त्यागी ने, वहाँ के और तो और वहाँ के जो है जाट और गुजर ने बेटा मान के मुझे वोट किया। उसके साथ साथ जिनको कहा गया कि वाल्मीकि समाज ये तो भाजपा का कट्टर वोटर है, ट्राई करते नहीं हो, बात करते नहीं हो, हिस्सेदारी देते नहीं हो, सम्मान देते नहीं हो, मजाक उड़ाते हो, वाल्मीकि समाज ने भी पूरा शिद्दत से अपने परिवार का हिस्सा मान के, बेटा भाई मान के, भतीजा मान के मुझे वोट किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पिछले दरवाजे से जो 1.25 लाख वोट की मदद विपक्ष ने की उसके बावजूद भी मैं 1.5 लाख वोट से जीता, अगर वो ये ना किए होते तो मैं 2.5 लाख वोट से जीतता, देश के प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा वोट से, देश के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से भी ज़्यादा वोट से जीतता। लेकिन खैर, एक वोट से भी जीते, परिणाम हमारे फेवर में है, यानी कि जनता ने इन सब से अलग भी, जो अलायंस बना बना बहुत हल्ला मचाया, उनसे अलग भी हमें स्वीकार किया कि इस आदमी को हमें ताकत देनी है। और आप ये देखना, अब पूरे जो उपचुनाव हैं, अब सब चुनाव पे आज़ाद समाज पार्टी इतनी दमदारी से लड़ेगी कि इन लोगों के हाल खराब हो जाएंगे। विधानसभा का आगाज अभी से कर देंगे? कर दिया, अब आज ही ऑर्डर कर दिए कि सब विधानसभा में लग जाओ, जो सारे उपचुनाव हैं इतनी मजबूती से लड़ने कि आज़ाद समाज पार्टी उपस्थित दर्ज कराने। हमें क्या था, मैं अपनी पीड़ा बताता हूँ आपको, हमें यह था कि भाई कल हमसे ये ना कहा जाए कि इनकी वजह से भाजपा जीत गई, इनकी वजह से हो गया। हम 2 सीटों पर लड़े और एक पे हमें 80,000 से ज़्यादा वोट मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। दूसरा, और ये वो वोट था जो बिल्कुल हमारा है, जो हमसे अलग नहीं जा सकता, जो इन परिस्थितियों में हमारे साथ था, और जो यहाँ
समाजवादी के बड़े बड़े नेता आए, बसपा के बड़े बड़े नेता आए और हमें खूब गालियाँ देकर चले गए, तो भी हमारे साथ खड़ा था। ये वो वोट है जो हमसे प्यार करता है, ये हमसे नहीं जा सकता। अब हमें ये तय करना है कि जब दोबारा पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो इस बार 52% में हम हैं, उस बार हम 75% में होंगे, आप याद रखना। क्योंकि जिन लोगों ने इस बार हमें वोट नहीं किया, गुमराह हो गए, उनको भी हम काम कर करके विश्वास दिला के जोड़ेंगे कि हम उनके लिए इस लोकसभा में आए, उन्होंने हमें भेजा है। जिसने आलोचना की, जिसने आरोप लगाए, जिसने तमाम तरह षड्यंत्र किए, उनका भी धन्यवाद। वो ये ना करते तो वो मुझे समझे ना, वो मुझे उसमें पानी में गेर के चले गए, तो मैंने तैरना तो सीख लिया इस बहाने, तो स्पष्ट हूँ। मैं बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत मदद की मेरी। अच्छा, बार बार एक बात आप कहते हैं कि मैं अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इंडिया गठबंधन को सहयोग ना करता, प्रत्याशी ना खड़े करके, तो इनकी और 20 सीटें घट जाती। तो अगर 80,000 आप समझो, चुनाव नॉमिनेशन एक दिन पहले तय हुआ डुमरियागंज, अगर सोचो हम सब जगह लड़ा देते तो 1-1 लाख वोट ले जाते, तो 1 लाख वोट से जितनी नीचे जितनी सीटें उत्तर प्रदेश में जीती हैं वो सारी भाजपा जीत जाती, तो ये रोते फिरते, क्योंकि ये हिस्सेदार देने में तो बहुत कच्चे हैं, सम्मान देने में भी कच्चे हैं। इनको वोट दे दो, आज़ादी के अब तक हम वोट ही तो देते आ रहे हैं, इनको वोट दे दो और फिर चुनाव के बाद इनको ढूंढते फिरो तो इनके दरवाजे बंद मिलते हैं। सवाल ये है नीज भाई, मैंने अपनी मदद की, इनमें से किसी एक के अंदर हिम्मत हो तो वो हाथ उठा के बताए कि आप बिना हमारी मदद के जीते, और अगर बिना हमारी मदद के नहीं जीते तो सच स्वीकार करना सीखें कि ये अपने बलबूते जीत नहीं सकते। अभी तो तमाम मीडिया हाउसेस आरोप लगा रहे हैं बहन जी पर कि इनकी वजह से 20 सीटें इन्होंने हरवा दी। ये झूठ है, ये भी गलत बात है, मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं करता। बहन जी की अपनी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, लड़ेंगी वो चुनाव, आप कौन है उन पर आरोप लगाने वाले, इसका मतलब आप ही रहेंगे। आप समझिए ना, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में सबको अवसर है ना। अब कल ये जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये मेरे ऊपर आरोप लगा, इनके आरोपों की परवाह करेंगे क्या? इन्होंने हमारी फिक्र की होती तो बाबा साहब पार्टी बनाते, बाबा साहब बेकूफ थे क्या? बाबा साहब जो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, आरपीआई बनाए, बेवकूफ़ थे क्या? इतने विद्वान व्यक्ति इसलिए तो बनाए कि इनके दिलों में हमारे लिए प्यार ही नहीं है। ये सब बराबर के दोषी हैं, कोई इनमें कम नहीं है। आज अगर 80 करोड़ सस्ता राशन ले रहे हैं तो ये इन सब पार्टियों की जो सत्ता में बैठ गई उनकी सबकी देन है। आज भी अगर रिजर्वेशन जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक पूरा नहीं हुआ, इतना बैकलॉग भरा हुआ जिन पर इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता, प्रमोशन रिजर्वेशन ST ST OBC के लोगों को मिले, इनके मुँह पर दही जम जाती, हम नहीं जानते क्या ये कितने अंबेडकरवादी, हम नहीं जानते क्या? अच्छा, आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात की, मैं देख रहा था कि सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो संविधान की बात भी करते थे, EWS में मैक्सिमम ने सपोर्ट किया, 3 सांसदों को अगर छोड़ दें, अगर आप होते उस समय सदन में तो EWS के मामले में आप कहाँ खड़े रहते? विरोध करते संविधान के विरोध में कुछ भी होगा। देखिए, EWS को समझिए, आरक्षण का जो प्रावधान है संविधान में वो शैक्षिक पिछड़ापन है, वो प्रतिनिधित्व है, इस बात को समझना पड़ेगा। और इन्होंने जो किया वो आर्थिक आधार पे किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या थी। सामाजिक पिछड़ापन नहीं है, शैक्षिक पिछड़ापन नहीं है, और ना ही प्रतिनिधित्व कमी है, फिर भी आपने दिया, जिनको ऑलरेडी 50% मिल रहा था उनको 10% आपने और दिया। और EWS की सीटें देखना आप, जब कोई भी वैकेंसी आती है EWS की इतनी सीटें आती हैं जैसे बहुत सारा बैकलॉग उनका खाली पड़ा हो। तो आप समझिए इस देश के चरित्र को, अगर आपका व्यक्ति नहीं है और वो नज़र नहीं रख रहा आपका नेता, तो आपके साथ धोखा छल होता रहा। 69 शिक्षक भर्ती याद है आपको? कि 20,000 पदों का घोटाला हुआ, किसने कुछ किया क्या? कहें हमारी सरकार बन जाने दे, तो फिर जबकि बाबा साहब ने कहा लोकतंत्र में सत्ता के साथ विपक्ष की बहुत अहम भूमिका, विपक्ष कमजोर होगा, निकम्मा होगा, तो उनके बच्चों के अधिकार छिनेंगे ही। अगर चंद्रशेखर आज़ाद असेंबली में होता उत्तर प्रदेश की, तो नाक में दम कर देता सरकार के, जब तक 69 शिक्षक भर्ती फैसला नहीं होता। वो बच्चे खून के आंसू रोते हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, मैं पार्लियामेंट से भी उनकी आवाज़ उठाऊंगा और मैं सड़क से भी उनकी आवाज़ उठाऊंगा। और जहाँ भी नीरज भाई, मैंने कई इंटरव्यू में कहा, मैं आपके यहाँ भी कह रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप आपका है जो आपको सुनता है, किसी ST ST OBC मुस्लिम अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अगर कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में अत्याचार होगा, उनके बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनकी रक्षा के लिए चंद्रशेखर आज़ाद है। अगर किसी ST ST OBC मुस्लिम और अन्य जो धार्मिक लोग, उनके साथ अगर किसी कर्मचारियों के साथ कहीं किसी दफ्तर में जाति और धर्म के नाम पर शोषण होगा, तो उनको रोने की जरूरत नहीं, उनकी उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए चंद्रशेखर आज खड़ा है। और अगर आरक्षण पे कोई आरक्षण भी लेते हो 10%, और आरक्षण पे हमें नीचा भी दिखाने का प्रयास करते हो, आरक्षण पे कोई कुटाराघात होगा, संविधान के खिलाफ कोई आवाज़ उठेगी, तो उसको फिर चंद्रशेखर आज़ाद टकराना पड़ेगा। ये बात अच्छी तरह से लोग गिठा बांध लें। अब वो दिन चले गए, अब गूंगे बहरे सांसद नहीं है पार्लियामेंट में, तो जिनको कोई खड़ा कह दे बैठ जा,
बैठ जा। अब सुने थे ना आप कोर दानिश को क्या कह दिए थे, और बेचारे बैठ गए। हाँ तो अगर चंद्रशेखर होते तो हमें कह दिए तो इतनी देर में हजारों लोग मिलेंगे पार्लियामेंट के बाहर, तो हम अस्पष्टवादी हम तेवर बदले नहीं। अरे भैया हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, हम कहाँ, मगर हमारे कार्यकर्ता नहीं है ना, वो मानते नहीं हैं। उनके नेता की तरफ कोई आवाज़ उठाता है या उनके नेता को अपमान करने का जान प्रयास करता है तो उनको रोक पाना कठिन है। अब अगर कोई कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करने का प्रयास करेगा तो कार्यकर्ता कैसे समझाएं, बताओ ना। कार्यकर्ता यानी कि हमारी हमारा बल, तो बल को हम नहीं समझा सकते, बल तो हल ढूंढता है। तो इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ सभी लोगों को कि संवैधानिक मर्यादा में रहते हुए और अपने निजी घमंड को दूर रहते हुए सम्मान से सबको अपनी बात रखने दें, इसी में सबका भला है। मैं जब गया था आपका इलेक्शन देखने की क्या स्थिति चल रही है, तो एक गाना बड़ा मैंने सुना आपके प्रचार के दौरान, संसद में दहाड़ेगा जब शेर नगीने से। तो अब नगीना से आ गया है शेर, तो क्या संसद में दहाड़ेगा? यार नीरज भाई मैं तो इंसान हूँ, शेर तो जानवर होता है, मैं तो इंसान हूँ, और शेर का काम होता है अपने से कमज़ोर को मारकर खाना, और मेरा काम है कमज़ोर की आवाज़ बनना, कमज़ोर को ताकतवर महसूस कराना। मैं तो इंसान हूँ, मानवता जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत है, सदगुरु रविदास जी महाराज के सिद्धांत है, जो हमारे संत कबीर के सिद्धांत हैं, जो गुरु नानक देव जी के जो है सिद्धांत हैं, समता समानता बंधुत्व भाईचारा मैत्री, मैं उसी सिद्धांतों पर खड़ा हूँ। अगर कोई मुझे नहीं छेड़ेगा था नहीं छेड़ेगा तो मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, अगर कोई मुझे छेड़ेगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अस्पष्टवादी हूँ ना, इधर हूँ कबीरदास जी ने कहा ना कहीं कहीं से दोस्ती ना कहीं से बैर। अगर सरकार कोई भी गलत नीति लाएगी इतने मुखर विरोध करूँगा जितना पूरे पार्लियामेंट का पूरा विपक्ष नहीं कर पाएगा, और सरकार कोई अच्छी नीति लाएगी तो इसलिए नहीं कि विरोधी हूँ, वैचारिक विरोधी, इसलिए विरोध करूँगा, सरकार की अच्छी पॉलिसी होगी स्वागत करूँगा, लेकिन अगर सरकार कोई नीति लाएगी धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या जाति के आधार पर, तो फिर समझ ले कि चंद्रशेखर आजाद को विरोध के चंद्रशेखर आजाद के विरोध का सामना करना पड़ेगा। और चंद्रशेखर आजाद को समझो इस देश के हर स्टेट में वो लाखों लोग जो मेरे एक इशारे पे सड़कों पे आके अपनी बात के लिए मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें मन में रहती हैं कि हम आडंबर से दूर रहेंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इससे दूर रहेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। आपने बहुत सारी धारणाओं को तोड़ा, क्या जिस समय चुनाव लड़ने पहुंचे थे नगीना ऐसा लग रहा था कि इन सब चीज़ों से दूर रह करके भी? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि तमाम लोगों से जब राजनीति की बात करो कहते हैं नीरज भाई ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ये नहीं करेंगे। आपने साबित किया कि तमाम सारी चीज़ों को नकार के भी क्लियर कट होकर के चुनाव जीता जा सकता है। देखो राजनीति को इस तरह समझिए, आप मुझे ताकत देंगे तो इससे आपकी ताकत बढ़ेगी, राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन पार्टियों ने राजनीति में धर्म को जोड़ा है, चाहे इधर वाले हो इधर वाले हो, उन्होंने अपने फायदे के लिए जोड़ा है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत है, यहाँ जब खड़े हुए हर व्यक्ति का धर्म अपना है, किसी के हिंदू धर्म में आस्था है, किसी की बौद्ध धर्म में आस्था है, किसी की ईसाई धर्म में आस्था है, किसी की जो है इस्लाम में आस्था है, किसी कोई मेरे जैसा नास्तिक व्यक्ति भी है, कोई सद्गुरु रविदास जी महाराज को मानने वाला जैसा मेरी बहुत वो है विश्वास है उनमें क्योंकि कुलगुरु है हमारे, कोई कबीरदास जी को, कोई गुरु नानक सिक्खी को मानने वाला है। ये भारत बहुधर्मी देश है, तो मैं किसी के धर्म का अपमान नहीं करता, मैं सबके धर्म का सम्मान करता हूँ क्योंकि भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ इनके बगैर भी राजनीति हो सकती है, अगर आप वास्तविकता में वैचारिक तौर पर राजनीति करो तो लोगों को समझा के राजनीति हो सकती है, और राजनीति में कामयाबी। अब जैसे एक हमारे साथी मीडिया कह दिए कि अब आप नेता हो गए हो, तो हमने कहा अब तक हम जब समाज की लड़ाई लड़े तो क्या हम नेता नहीं थे? तो आज उनको बड़ा अटपटा सा लगा होगा क्योंकि उनका उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि जब आदमी एमपी एमएलए बनता है तभी वो नेता होता है, उससे पहले वो नेता नहीं होता। अब देखो कितने नेता हैं जो कुर्ते पजामे में घूम रहे हैं और हम ठहरे टी शर्ट पैंट और चप्पल वाले, तो हमारा क्या है? हमें फिर कपड़ों से नेता नहीं बनता आदमी, चप्पलों से नेता नहीं बनता, अच्छे बाल होने से, अच्छे जो हैं और किस चीज़ से नेता नहीं बनता, नेता बनता है अपने विचार की शक्ति से। हम महापुरुषों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और हम आंदोलन में विचार के शक्ति को समझते हैं, विचार हमारी ताकत और विचार हमारा आधार, इसको कमजोर नहीं पड़ने देंगे। तो संसद में जय भीम के नारे अब गूंजेंगे? अब देखो हमने कल ही कहा कि अब तक आपने बहुत लोगों को सुना, अब जय भीम जय मंडल वालों को, अब अम्बेडकर वादियों को सुनो, तो आपको एहसास होगा कि देश में बुनियादी चीज़ों पर किस तरह लड़ाई लड़ी जाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, बस इतना समझ लीजिए कि तमाम लोग जो चुन करके सांसद बने हैं उनमें कितने लोग ऐसे होंगे, दो विकल्प हैं कि आपको ईश्वर को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञा लेते हैं। तो जब इतना क्लियर कट हैं आप
कि पहले ही क्लियर कर लिया है कि प्रतिज्ञा लेना है, तो अब कोई कन्फ्यूजन लोगों को नहीं रह जाना चाहिए कि आपके आने से संसद में क्या बदलेगा। बाकी जो बदलेगा वो समय समय के साथ नेशनल जनमत आप तक पहुंचाता रहेगा, लेकिन इतनी बात क्लियर है कि संसद में अब अंबेडकरवादी आवाज़ पुरजोर तरीके से न सिर्फ गूंजेगी, बल्कि अगर EWS या इस तरह के तमाम मामलों में गैर संवैधानिक कानून लाने की कोशिश की गई तो कम से कम एक व्यक्ति पर भरोसा है कि वो पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। नीरज भाई, ये जो दो ये औथ और प्रतिज्ञा की बात मैंने बताई, ये संविधान ने संसद ने व्यवस्था की है ना जी। इसका मतलब आप समझते हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं, भारतीय संविधान की इस मान्यता को स्वीकार करते हैं कि किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है। और रही बात तेवर, तो साहब ये तो खून में है, ये तो मेरे साथ ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जा सकते। तो जुनून है बदल देंगे, जुनून है बदल देंगे, और ऐसा बदल देंगे कि दोबारा बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।